इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब, और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में, कितनी 50 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में, 50 कहां, नॉट इवन 1%, 1%। आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%, आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर, दाल रोटी यही है ना गरीब की, आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में, क्योंकि 2.5 गुना, मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की, और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये हर जगह छपी है, है सर, ये हर जगह छपी है स्टडी, वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये जीन ड्रीज राइट्स, वेजेस आर द वरी नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एग्रीकल्चर लेबर पॉइंट 9%, 0.9%, कंस्ट्रक्शन वर्कर 0.2%। आप कहते हो सब्सिडी देते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की, है साहब। फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर लेबर, और हजूर ये मत कहिएगा कि नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है, मैं आपको 2.5-3 साल पहले की हमारी सरकार को इल्तजाएं पॉलिसीज आपको सुनाऊंगा आज। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, असली मुद्दे ये हैं। एग्रीकल्चर लेबर हैज जस्ट ग्रोन 0.3%। जड़ी लेबर है पंजाब की, सब तो अहम चीज है, वो सब तो वड्डी चीज लेबर है, जड़ी के किसान भी मत कर दिया है। और मैं थोनू बड़े ध्यान नाल कह रहा, अज बड़े जिम्मेवारी ना कह रहा, वो इन्ने गरीब ने उन्हां कोल अंदोलन करन दी ताकत नहीं है, वो अज अंदोलन च नहीं जा सकते, वो साडे किसान वीर उन्हां दी आवाज चकदे है, समझ नहीं। 32% लोग ने, 2% जमीना ने, उन्हां को की कीता तुसीं, है कोई पॉलिसी? 50% इंप्लॉयमेंट है जी, 15% GDP है, 92% लेबर इनफॉर्मल है, इसकी गल याद रखियो, 92% लेबर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब पता की है, जिहड़ी डीमोनेटाइजेशन ने मारती, कोई 200 दी तां रुपये लेके काम कर रहा है, कोई चुन्नू, कोई मुन्नू, कोई टमाटर चकन का काम कर रहा है, कोई पल्लेदार है, कोई किसी चाह की दुकान के उत्ते 100-150 रुपये काम कर रहा है, कोई 200 च काम कर रहा है, ये 92% है। तो 5% 86% किसान 5 एकड़ तो घट है सर।